माय चैनल क्लासी मुटियार। क्या हाल चाल है सबके? गाइस, दिल्ली का पारा तो बहुत हाई हो गया है। दिल्ली में गर्मी बहुत हाई गर्मी हो गई है। तो प्लीज़ अपना सबसे पहले तो अपना घरों पे ध्यान रखो, एसी चला के रहो और खूब सारे लिक्विड्स लो, चाहे वो छाछ है, ग्लूकॉन डी है, लेमन है, सोडा है, ताकि आप सारा दिन क्या रहे, हाइड्रेटेड रहे। ठीक है गाइस, सो आज का जो वीडियो है, मैं बात करने वाली हूँ गर्मी के समर 3 एसेंशियल्स बेसिकली, जो आपके बैग में होने बहुत ही ज़रूरी हैं। ठीक है गाइस, इनसे बिलीव मी लाइफ ना बहुत इजी हो जाती है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगी। ठीक है, और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको देने वाली हूँ एक टिप जो कि समर्स में बहुत ही यूजफुल होने वाला है, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, क्विकली आपको सब्सक्राइब का बटन दबा देना है, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन है उसको दबा देना है, ताकि मेरे जो अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक क्विकली जल्दी जल्दी पहुंच जाए। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है गाइस, तो मैं बात कर रही थी कि आपके जो बैग में, जो आपके पर्स में, बैग में 3 समर एसेंशियल्स होना बहुत ज़रूरी है। अब वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले मेरे हिसाब से जो मैं पर्सनली अपने बैग में ज़रूर रखती हूँ, वो है एक फेस मिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब फेस मिस्ट का काम क्या है गाइस, जैसे आप ऑफिस पहुँचते हो या घर से बाहर निकलते हो, मेकअप लगा के भी निकलते हो, अगर नहीं भी लगा के निकलते हो, बाय द टाइम यू रीच द प्लेस जहाँ पे आपको जाना होता है, स्किन का क्या हाल हो जाता है यार, गर्मी में सड़ जाती है स्किन, बिल्कुल डल हो जाती है। तो हमें क्या चाहिए होता है उस टाइम, डिहाइड्रेटेड हो जाती है स्किन, तो हमें उस टाइम क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है हाइड्रेशन, राइट? तो हाइड्रेशन हमें कहाँ से मिलेगा, वो हाइड्रेशन हमें मिलेगा फेस मिस्ट से। ठीक है जी, तो फेस मिस्ट आप कोई भी ले सकते हो गाइस, इसमें आपको क्या होगा, इंस्टेंट हाइड्रेशन मिलेगा, इंस्टेंट रिज्यूविनेशन मिलेगा और इंस्टेंट फ्रेशनेस मिलेगी आपको। मतलब अगर आपका स्किन थक गई है, फेस थक गया है बाहर निकल के और आपको मुंह धोने का भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो फेस मिस्ट आपका वो काम करेगा। एक काम और एडिशनल ये करेगा, अगर आपके फेस मिस्ट में खुशबू है किसी भी तरह की, तो वो अरोमा थेरेपी का भी काम करता है, तो आपको फ्रेश फील करने में, रिज्यूविनेटेड फील करने में डेफिनेटली फेस मिस्ट बहुत अमेजिंग काम करता है। तो ये फेस मिस्ट चला मेरा सबसे पहले मेरे बैग में। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ अपना दूसरा प्रोडक्ट जो आपके बैग में होना ज़रूरी है। आपको क्या लगता है क्या होगा, कमेंट में बताइएगा, पर मैं तब तक आपको बता देती हूँ कि मेरे बैग में क्या होना ज़रूरी है। मेरे बैग में सनस्क्रीन होना ज़रूरी है, एंड फॉर दैट मैटर ये आपके बैग में भी होना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। गाइज, आपको पता है स्किन को अल्ट्रा वायलेट रेज से प्रोटेक्ट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, तो वो काम किसका होता है, वो काम होता है SPF का, सनस्क्रीन का। तो आप किस कोई भी SPF ले सकते हो, मैं जनरली SPF 50+ करती हूँ प्रेफर, ये मेरा है मेलागार्ड का। सो मैं सनस्क्रीन का भी एक वीडियो लेके आऊँगी, आई विल बी शेयरिंग, मेरा एक सनस्क्रीन है जो अमेजिंग काम करता है, तो मैं वो भी आपसे शेयर करूँगी। आप कोई भी अपना सनस्क्रीन अपने बैग में रखिएगा और सनस्क्रीन को 15 से 20 मिनट पहले ज़रूर लगाया करो, स्टेप आउट करने से पहले। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुबह लगा लिया तो सनस्क्रीन जी पूरा दिन काम करेगा, ऐसा नहीं है। हर 4 से 5 घंटे के बाद 2 full finger सनस्क्रीन का आप दोबारा टॉपअप ज़रूर करा करो। ठीक है, इससे क्या होगा, यूवी से और जितनी भी हार्मफुल रेज हैं सन की, उससे आपकी स्किन क्या रहेगी, प्रोटेक्टेड रहेगी, सुंदर रहेगी और वो जो ग्लो है आपकी स्किन पे वो बरकरार रहेगा। और इनकेस नहीं है तो अगर आप ये प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी। तो ये भी आज मैं कितना फंबल कर रही हूँ ना, ये प्रोडक्ट चला मेरे बैग में। ठीक है, अब नेक्स्ट एंड लास्ट प्रोडक्ट जो मेरे बैग में जाने वाला है वो क्या है, वो है एक कोई भी फ्रेग्रेंस आप ले सकते हो यार, फ्रेग्रेंस आपके बैग में होनी बहुत ज़रूरी है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि क्या खुशबू आ रही है यार, मैं महक रही हूँ और अगर मैं महकूंगी तो मेरे आसपास वाले लोग क्या करेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, क्यों
ऐसे नहीं ना उनको करना पड़ेगा कि स्मेल आ रही है। तो ऑब्वियसली अगर आप यू नो अगर आपको कहीं भी लगता है यार ये बहुत नेचुरल सी चीज़ें हैं, गर्मी में स्वेटिंग होती है, उससे क्या है, उससे स्मेल हो सकती है, तो उसके लिए आपको अपना कोई भी फ्रेग्रेंस, ये मेरा फ्रेग्रेंस है, ये है जस्टिन बीबर का द की फ्रेग्रेंस है बाय द वे, ये आप कोई भी, इसको की क्यों कहते हैं, इसके साथ एक सुंदर सी की भी है, तो आप कोई भी अपना फेवरेट फ्रेग्रेंस, अपना कोई भी, अगर फ्रेग्रेंस आप नहीं पसंद कर, कोई इत्र भी रख सकते हो यार, आजकल इत्र में भी बहुत ज़्यादा यू नो वैरायटी आ रही है, तो कोई भी फेवरेट फ्रेग्रेंस अपने बैग में ज़रूर रखिएगा। इससे क्या होगा, आप सारा दिन फॉर श्योर महकने वाले हो, आपसे फॉर श्योर खुशबू आने वाली है, और आपके आसपास वाले क्या रहने वाले हैं, खुश रहने वाले हैं, क्योंकि आपसे एटलीस्ट वो स्मेल तो नहीं आएगी। एंड हाँ, बाय द वे मुझे वीडियो के बाद थैंक्स जरूर कर देना, कमेंट में कर देना चलेगा, ठीक है। अब जैसे कि मैंने क्या किया था आपसे, प्रॉमिस, वीडियो से पहले क्या प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक टिप देने वाली हूँ। टिप क्या देने वाली हूँ, टिप ये देने वाली हूँ गाइस, क्योंकि गर्मी में स्वेटिंग होती है तो अंडर आर्म्स में स्वेटिंग कईयों के बहुत ज़्यादा होती है और कईयों के नॉर्मल होती है, ठीक है। जैसे मेरे को अंडर आर्म्स में बहुत स्वेटिंग का दिक्कत नहीं है, तो मैं क्या यूज़ करती हूँ, मैं यूज़ करती हूँ अपने अंडर आर्म्स में रोल ऑन, ठीक है। ये रोल ऑन है, मैं निव्या का कोई भी यूज़ कर लेती हूँ, वाइटनिंग भी यूज़ कर लेती हूँ, पर्ल एंड ब्यूटी भी यूज़ कर लेती हूँ। इससे क्या है, निव्या के एटलीस्ट रोल ऑन से क्या है, स्किन जो है अंडर आर्म्स की, आपने मेरे यू नो स्लीवलेस में भी वीडियोज़ देखे हैं, स्किन ब्लैक नहीं होती है, ठीक है। तो प्लीज़ रोल ऑन यूज़ करो, इससे क्या होगा, स्वेटिंग भी कम होगी और स्मेल भी नहीं आएगी अंडर आर्म्स में से, ठीक है जी, वो स्मेल नहीं आएगी, बास नहीं आएगी, और हाइजीनिक, ऑब्वियसली यार हम अपनी हाइजीन को खुद ही तो मेंटेन करेंगे ना, कोई बाहर से तो नहीं आएगा, बाहर से तो बस यही बताने आएगा, या तो बोलेगा यार तेरे से स्मेल आ रही है, या क्या करेगा ऐसे करके ना आपसे बात करते करते ही कट लेगा आवाज़ें, है ना। सो गाइज, एक तो ये ऑप्शन है अगर आपके नॉर्मल यू नो स्वेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग नहीं होती है। दूसरा केस क्या होता है कि कईयों के बहुत एक्सट्रीम स्वेटिंग होती है, तो वो क्या कर सकते हैं गाइज, वो क्या कर सकते हैं, सुबह यू नो जब आप घर से निकलते हो, इनकेस नहीं भी कहीं जाना, तो आप क्या कर सकते हो, अंडर आर्म्स में पाउडर लगा सकते हो, कोई भी पाउडर लगा सकते हो। आजकल पाउडर्स में भी कितने अच्छे अच्छे टैल्क आ रहे हैं, कितने टैल्कम्स इतने ऐसे हैं जिनका एक्चुअली परफ्यूम के जितना स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होता है, तो आप वो टैल्क लगा सकते हो अपने यू नो अंडर आर्म्स में, और जब आपको लगे कि अब यार फिर से स्मेल आ रही है या फिर से स्वेटिंग हो रही है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उस केस में आप दोबारा टचअप कर सकते हो पाउडर का। बिलीव मी, ना तो स्वेटिंग होगी ना तो स्मेल आएगी, सच बोल रही हूँ, ये टिप बहुत ही कमाल की है। सो विद दिस आई कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अब से आपके बैग में ये तीनों चीज़ें होने वाली हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। सो आई विल सी यू सून विद माई नेक्स्ट वीडियो। उससे पहले क्या करना है, जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दो, लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो और बेल आइकन दबा दो, ताकि जितनी भी मेरी अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच जाए। चलो, आई विल सी यू सून, बाय बाय।